इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल मैं जासमीर अंसारी साहब जो नगर चेयरमैन है उनके घर पे गया था, वो भी चलते फिरते महात्मा है, तो कह रहे थे कि महाराज साहब हर साल आना होगा। अब ये देखिए, देखो ऐसा है, कुछ बातें हमारी जरूरी है और कुछ बातें हमारे व्यवहारिक जीवन की मजबूरी है। तो हर साल तो हम लखीमपुर प्रधान जी बैठे हैं, लखीमपुर नहीं आते हैं। आपको भी मैं वचन नहीं दे सकता, 3 वर्ष बाद एक बार आऊँगा, 3 वर्ष बाद, क्योंकि तब तक आप भी थोड़ा अभ्यास करेंगे, चलेंगे, जिएंगे। और मेरे ठाकुर जी के माले में जो मनके हैं वो पूरे देश में कहीं ना कहीं छिटके रहते हैं। विशाल भैया यहाँ थे, ये प्राप्त हो गए, तो मैं एक माला बनाए हूँ। ये जो माला है ना, ये 54 दाने की है, 54 मनका है, ये भगवान शालक ग्राम है, तो मुझे 54ों को धीरे धीरे समेटना पड़ता है। अभी 2 साल हुआ, अगले साल फिर मुझे लखीमपुर आना है। और 25 वर्ष पहले हमने एक यज्ञ में आहुति डाली थी, मल्लापुर काशीपुर, 1 से 1.5 वर्ष में हम वहाँ मिलेंगे आपको, वहाँ आएंगे हम। ये मैं कल गया था, बच्चों को वचन दे आया कि बेटा व्यस्तता तो बहुत है लेकिन हम अवश्य आएंगे, आप लोग रहेंगे। अच्छा लगता है, देखो हम लोग संसारी लोग हैं तो प्रतिवर्ष तो नहीं, पूरा देश है, भगवान सब कुशल रखे, पूरे देश में 1 महीना हम भारत से बाहर रहते हैं, इधर जाने लगे हैं, तो मैं प्रयास अवश्य करूँगा। हम लोग हर 3रे साल बैठेंगे, राम चर्चा करेंगे। चेयरमैन साहब कह रहे थे कि अगली बार आप आएंगे तो इसका हम बहुत सुंदर सुंदरीकरण करा के इस प्रांगण को दिव्य बनाएंगे, रामलीला मैदान है तो उसको उसी तरह बनाएंगे। हम लोग बजट बना रहे हैं, व्यासपीठ से मेरा आशीर्वाद है, हृदय से प्रभु प्रार्थना है कि आपका नगर जैसा दिख रहा है इसको भगवान और सजाए और सुगंध दे कि लोग प्रेरणा लें कि हमको भी लहरपुर जैसा बनाना है। ये भगवान कृपा करे, संतों का आना जाना बना रहे, आपकी भगवत भक्ति दृढ़ता को प्राप्त हो। परमात्मा ने भेजा है श्री लक्ष्मण जी महाराज को, इधर हनुमान जी जामवन जी ने सब कपियों को समेटा, संदेश देकर के बुलाया, भगवान की शरणागति हुई है सुग्रीव जी महाराज की। भगवान ने हृदय से लगाया और कहा, तुम प्रिय मोहि भरत जिमी भाई, आप तो मुझे भरत भैया जैसे प्रिय हो, मेरे कार्य को सारो संपन्न करो। सुग्रीव जी ने सबको बिठाया और संदेश किया है कि आप लोग जाइए सभी दिशाओं में, माँ का पता लगाइए, जाइए तभी वापसी करिएगा जब माँ का पता लग जाए। 1 मास का समय देता हूं, बिना पता लगाए जो आएगा मेरे हाथों मारा जाएगा। सभी लोग भगवान को, सुग्रीव जी को वंदन करते हैं और अपने राम काज में चले जा रहे हैं। सबसे पश्चात में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया, जामंत बाबा के सानिध्य में 10 युद्धपति श्री हनुमान जी, अंगद जी आदि दक्षिण दिशा को गए, जैसा जटायु जी महाराज ने प्रभु को संकेत दिया था, लय दक्षिण दिश गयऊ गोसाई बिलपति अति कुररी की नाही। इसलिए हे नाथ इधर ही पता लगवाइएगा, असुरों का राजा रावण ले गया है, नाथ दसानन यह गत कीनी तहिसठ जनक सुता हरि लीनी। माँ स्वयं प्रभा से भेंट हुई,
फल खाए, जल पान किए। स्वयं प्रभा माँ ने उनको समुद्र के तट पर भेजा। संपाति जी महाराज मिले। संपाति जी, ये लोग अभी चर्चा कर ही रहे थे कि समुद्र है, कैसे पार करें, लंका में कैसे प्रवेश करें, तो संपाति जी ने सुना, भगवान ब्रह्मा को धन्यवाद ज्ञापित किया। बहुत दिन से भूखे रहा, एक ही बार भगवान ब्रह्मा आपने भोजन दे दिया, अभी सभी कपियों को खा करके मैं तृप्त हो जाऊंगा। जटायु जी का स्मरण किया अंगद जी ने। एक जटायु जी गिद्धराज थे, जिन्होंने रामकाज में शरीर को त्याग दिया और हम ही लोगों को खाने के लिए उद्दत हो रहे हैं। संपाति जी ने इनको अभय प्रदान किया और कहा, मेरे पास आओ। क्या हुआ जटायु को? मेरे भाई थे, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। बुलाए, पूरी कथा अपनी सुनाए, चंद्रमा नामक मुनि का आशीर्वाद बताए। ये प्रसंग कहता है, युवावस्था हो तो शक्ति का संग्रह करके और किसी दिव्य लक्ष्य की ओर शक्ति को उपयोग करना चाहिए, चाहे जैसे नहीं। शक्ति संग्रह हो तो किसी उच्चतम लक्ष्य में उसका सदुपयोग हो, अन्यथा व्यवहार में नहीं। शक्ति हो तो सदुपयोग हो, लक्ष्य निर्धारित हो और लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य प्राप्ति की ओर हम ठीक प्रकार से गति करें। जटायु जी की गाथा और अपनी गाथा सुनाते समय संपाति जी कह रहे थे, युवानी में हम लोग सूर्य पर चढ़ाई कर दिए तो मारे उनके ताप से जटायु जी तो नीचे आ गए, लेकिन मैं अभिमानी सूर्य के निकट गया तो मेरे दोनों पंख जर गए और मैं यहीं गिर पड़ा। चंद्रमा नामक मुनि ने हमको संबल प्रदान किया, सिर पर हाथ फेरा और कहा, त्रेता में जब ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी अर्धांगिनी का हरण असुरों का राजा करेगा, उनके दूत उनका पता लगाने के लिए जब यहां आएंगे, उनका दर्शन करके तुम्हें नवीन पंख प्राप्त हो जाएंगे। आप उनको सीता मैया का पता बता देना, मोहि बिलोकि धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भय मुझे। देखो, देखिए, जो वृद्धावस्था है वो अपने जीवन की उपलब्धियों को दर्शा दर्शा कर युवानी में तप तेज और दिव्यता भर देती है। वृद्धावस्था का इतना ही उपयोग है। अरे क्या कहते हो, वृद्धावस्था जागृत करने के लिए है। किसको? युवान भाई को। इसलिए वृद्धजनों के अनुभव का लाभ जीवन में लेना चाहिए, वृद्धावस्था का कदाप निरादर नहीं करना चाहिए। गृहस्थ में हो, महात्मा हो, साधु हो, भगत हो, व्यवसायी हो, जहां भी वृद्धावस्था है उसके अनुभव का बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, 20 वर्ष के अनुभव को जब हम जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं तो हमारे जीवन के 20 वर्ष बचते हैं। जिसने 20 साल तपस्या किया वो आपको अपनी तपस्या एक घंटे में सब समझा देगा, तो वो 20 साल आपका सेव बच गया। अब आगे बढ़ो, जीवन ऊर्ध्वगमन करने के लिए है, संसार में लपटने के लिए नहीं है। इसलिए महापुरुषों के 20 साल, भक्तों के 20 साल, व्यवसायी के 20 साल, 20 साल को संभालिए, सीखिए और आगे बढ़िए। वृद्धावस्था वृद्धाश्रम में रहने के लिए नहीं है, गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए। हम वृद्धाश्रम के घोर विरोधी, हाँ एकदम घोर विरोधी, नगर में बनाइएगा भी नहीं। वृद्धाश्रम में जो अपने माता पिता को रखता है उसका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। वृद्धाश्रम का लिए
अरे गाय भैंस ऊंट गधा ये वृद्धाश्रम के लिए है कि घर के परिवार के बुजुर्ग लोग वृद्धाश्रम के लिए है? भगवान के परम भागवत महापुरुष लोग हैं, इनकी कुटिया पर जाकर इनकी पूरी चिंता करनी चाहिए। हम लोग गृहस्थी हैं, गृहस्थी का काम क्या है? यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, जो बंदा जो पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। हमारे लिए तो कमे पड़ा रहेगा, हमको कहाँ भरता है? अपने के लिए ही कम पड़ा रहा तो हम सेवा क्या करेंगे? परमार्थ करते रहो, कम पड़ेगा ही नहीं, वो बढ़ता ही जाएगा। जो परमार्थ करता है उसका बढ़ता ही जाता है, वो कमी नहीं पड़ती। वृद्धाश्रमों को संभालिए, ये ठीक बात नहीं है, एकदम ठीक नहीं है, खराब ठीक नहीं है। और एक निवेदन है, बढ़िए उतना ही कि ताड़ के वृक्ष न बन जाइए। कई बार हम विकास में हरास कर बैठते हैं, विकास में अपना विस्मरण हो जाता है, भूल जाते हैं कि हम कहां जा रहे हैं, किधर जाना है। खैर, संपाति जी ने सबका मार्गदर्शन करते हुए कहा, आप में से जो 100 योजन का सागर लंघन कर सकता है वही सीता मैया का पता लगा पाएगा। मुझे देखिए और आत्मल बनाइए, जाइए। सब लोग अपने अपने बल का बखान करने लगे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, कोई कहे हम 70 योजन जाएंगे, कोई 60, कोई 80, कोई 90, अरे कोई कोई तो कहते हैं 100 चला जाऊंगा। अंगद जी कहते हैं, जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। संदेह में रहकर लक्ष्य प्राप्ति संभव नहीं, संदेह में कदाप नहीं रहना चाहिए। संशय में तो रहने नहीं चाहिए, हो सदैव विश्वास में रहिए। शक्ति क्षमता देखकर लक्ष्य निश्चय करिए और तब तक प्रयास करिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। संदेह में कदापि नहीं रहना चाहिए। अपनी शक्ति, अपनी क्षमता, अपना पौरुष, अपने से अच्छा कौन जानता है अपने बारे में? बड़े निज निज बल सब काहु भाखा पार जाय कर। अब बूढ़े बाबा जामोन जी बोले, क्या कहते हो आप लोग? बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सोतन बरन न जा, उभय घरी महु दे सात प्रदक्षिण। जब दानवेंद्र बलि को भगवान बांधने लगे, नापने लगे, तो उनके उस विशाल शरीर की मैंने 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा लगाई थी। क्या है जवानी में आप लोग, इतना जाऊंगा, इतना आऊंगा, इतना जाऊंगा, इतना आऊंगा करते हो। कथा ये कह रही है कि जिसको जो काम करना चाहिए उसी को करना चाहिए, जो काम भगवान जिससे कराना चाहते हैं उसी से कराते हैं। बाबा ने यहां प्रबंधन किया है, बाबा के ग्रंथ प्रबंध। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।